Hello and Namaste, myself Surajam Sahu from MindMagma, and in this video we are going to continue our topic which is flow control devices. इसके हमने पहले से दो पार्ट बना रखे हैं. इन फर्स्ट पार्ट वी आर कवर्ड अबाउट द वेंटिलेशन सिस्टम और उसके बारे में अलग अलग डिवाइस का एक ब्रीफ छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने किया था. उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट पार्ट में फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने स्टॉपिंग और वेंटिलेशन डोर के बारे में पढ़ा था. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट. अब इस वीडियो में और दो टाइप के फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट इज आर एयरलॉक्स. एयरलॉक्स बेसिकली क्या होता है कि कुछ वेंटिलेशन डोर्स हम लोग लोकेट करते हैं मेन इनटेक और रिटर्न के बीच में, जो कि दो से तीन के पैर में बनाया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं हम एयरलॉक. बेसिकली ये एयरलॉक शॉर्ट सर्किटिंग को प्रोवाइड करते हैं. जैसे ही इस फॉर एग्जाम्पल इस मतलब ये इनटेक और रिटर्न के पूरे एक एरिया में जहाँ पे ये दोनों का कनेक्शन कर रखा है, उस एरिया में अगर हमको कोई भी एक डोर ओपन हो रहा है तो दूसरा डोर क्लोज रहेगा, ताकि वो जो एयर सर्किट है वो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो, जो एयर करंट है वहाँ पे वो शॉर्ट सर्किट ना हो. इसके लिए ये चीज क्या की जाती है इसमें कि जब एक डोर को ओपन रखा जाता है तो इसके जो पेयर में दूसरे डोर्स हैं उनको बंद रखा जाता है, ताकि वो कंप्लीट एयर फ्लो ना हो, एयर वेंटिलेशन वहीं तक हो जहाँ तक उस एयर फर्स्ट एयर लॉक को क्रॉस करके जहाँ तक वो काम किया जा रहा है उधर तक ही प्रोवाइड हो, वहां से वो दूसरी जगह पे ना जा पाए. ये हो गया हमारा एक मेन चीज. अभी जो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों गेट का, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बोला कि ये पैर में होते हैं दो से तीन, तो इन दो पैर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो बिगेस्ट ट्रेन है, जो बिगेस्ट ट्रेन ऑफ व्हीकल है जो कि हम माइंस में यूज कर रहे हैं, वो उस जगह पे आराम से अकोमोडेट हो पाए, तो उसका हम लोग उस एयरलॉक के पास थ्रू हो पाए, उस हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ता है. और मेन चीज इसका यही है कि जो हायर प्रेशर डिफरेंशियल होता है वहां पे, तो मल्टीपल डोर्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उसका जो प्रेशर है वो सारे डोर्स में शेयर होके वो एक कंट्रोल वे में काम करे. तो ये हो गया हमारे एयरलॉक का एक डेफिनेशन. अभी हम पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके हम एक इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट इज इट इज अ सेट ऑफ टू डोर्स सो इंस्टॉल्ड दैट वन ऑफ देम इज ऑलवेज शट व्हेन द अदर इज ओपन टू पास मेन टब्स और ट्रेन. जैसा कि मैंने अभी अपने पॉइंट में बताया कि ये सेट होते हैं दो डोर्स के या फिर इससे ज्यादा के भी हो सकते हैं. उसमें क्या होता है कि ये तभी इसको इंस्टॉल किया जाता है कि इसमें एक ओपन रहेगा एक क्लोज रहेगा जब हम वहां पे कोई भी आदमी जा रहा है काम करने के लिए या फिर कोई भी टब्स और ट्रेन. सेकेंड इज इंडियन CMR रिक्वायर दैट एयर लॉक शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन मेन इनटेक एंड रिटर्न. जैसा कि मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू इंडियन CMR ये चाहता है कि आपके जो एयर लॉक्स हों वो हमारे मेन इनटेक और रिटर्न के बीच में ही बनाया जाए. ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट डोर्स इन एन एयर लॉक शुड बी सो स्पेस एज टू अकोमोडेट द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ ट्रेन रिक्वायर्ड टू पास थ्रू इट. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो डोर्स हैं दोनों डोर्स, ये डोर ये सेकेंड डोर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि जो सबसे लंबी लेंथ ऑफ ट्रेन है जो कि हम यूज कर रहे हैं अपने माइंस के अंदर, वो भी वहां पे अकोमोडेट हो पाए. ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज दैट प्रेशर ऑन सिंगल डोर शुड नॉट एक्सेड 250 पास्कल इन ऑर्डर दैट दे ऑफर नो डिफिकल्टी इन ओपनिंग, वेयर एज प्रेशर अप टू 500 पास्कल कैन बी अलाउड विद एयर लॉक्स. एयर लॉक्स एक अगर सिंगल डोर है वहां पे जो एयर प्रेशर है जो डोर उतना संभाल पाए वो 250 पास्कल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और जहां पे पूरा एयर लॉक सिस्टम हमने बना रखा है, जहां पे दो पैर है वहां पे 500 पास्कल तक अलाउ करते हैं. ये हो गया हमारा पॉइंट फोर्थ. पॉइंट फिफ्थ क्या है कि ऑपरेशन ऑफ डोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट एयर लॉक्स आर इंटरलॉक्ड सो दैट व्हेन वन ऑफ द डोर इज ओपन द अदर इज ऑटोमेटिकली केप्ट क्लोज्ड. अभी इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि एयर शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को दो पेयर बनाना पड़ता है जिसमें एक ओपन रहता है और एक क्लोज रहता है. तो अभी हम इस चीज को जो ये दोनों डोर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होते हैं ऑटोमेटिकली, दैट whenever one door opens other door closes by itself, वो अपने आप ही दूसरा डोर बंद हो जाएगा. मतलब ऐसा मैनुअली उस चीज को नहीं किया जाता है. तो ये हो गया हमारा पॉइंट फिफ्थ. एंड पॉइंट सिक्स इज दैट ऑल्टरनेटिवली एन ऑटोमेटिक वार्निंग डिवाइस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन ईच डोर टू इंडिकेट इफ द अदर डोर इज ओपन और क्लोज. फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया,
आए आप मशीनरी डिफॉल्ट या फिर मशीनरी फेलियर या फिर कोई भी रीजन से अगर ऐसा हुआ कि वो जो एयर लॉक्स में जो ऐसा कि बोला है कि एक डोर क्लोज और एक डोर ओपन होना चाहिए, अगर ऐसे सिचुएशन आया कि दोनों डोर्स ओपन है तो उस टाइम पे एक वार्निंग डिवाइस शुड बी इंस्टॉल्ड ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि दूसरा डोर भी ओपन है तो उसको जैसे भी जाके बंद करना है। तो ये हो गया हमारा एयर लॉक्स के बारे में। सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज एयर क्रॉसिंग। एयर क्रॉसिंग बेसिकली क्या होता है? एयर क्रॉसिंग बेसिकली ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे जो है ऐसे ही सिस्टम वेंटिलेशन सिस्टम को बनाया जाता है कि इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ऐसा ही मीनिंग है बाय द वर्ड दैट इज एयर क्रॉसिंग। अभी बेसिकली ये क्या होता है, इसको दो टाइप से आप बना सकते हैं। पहला है हमारा ओवरकास्ट, फर्स्ट वन यू कैन से दैट वन इज ओवरकास्ट एंड सेकेंड वन इज यू कैन से दैट इट इज अंडरकास्ट। ठीक है, अभी ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का मतलब क्या है? बेसिक यही है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इनटेक है, यहाँ से हमारी इनटेक एयर जा रही है और ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो इसको बोलेंगे ओवरकास्ट, कि इनटेक के ऊपर वाली जो जगह है उसको खाली करके उसको एक आप चेंबर बना के उसके थ्रू यहाँ से आप रिटर्न एयर में पास कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया ओवरकास्ट। अंडरकास्ट सेम मीनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे ये इनटेक है और इसके नीचे से हम लोग एक चेंबर बनाते हैं और वहां से रिटर्न एयरवे हमारा पास करता है। पर अंडरकास्ट का यही प्रॉब्लम है कि अंडरकास्ट को ज्यादा टाइम पे यूज नहीं किया जाता है। क्यों यूज नहीं किया जाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि वाटर अकोमोडेशन हो जाएगा हमारे लो गैलरी में, या फिर हमारा क्या बोलते हैं एयर क्रॉसिंग इतना लीक प्रूफ और लार्ज क्रॉस सेक्शन के वजह से वहां पे छोटा एयर में रेजिस्टेंस भी मिलता है उस चीज को। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि अंडरकास्ट इतना हम लोग यूज नहीं करते हैं कंपेयर टू ओवरकास्ट। सो ओवरकास्ट इज द मोस्ट पार्ट जिसको हम यूज करते हैं और ये हमारे सामने एक ओवरकास्ट का एग्जांपल है। अभी आप देख लो कि क्या चीज हम बोल सकते हैं यहाँ पे, कि अभी हम एक एक पॉइंट इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज दैट एयर क्रॉसिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर इनटेक एंड रिटर्न एयरवेज हैव टू क्रॉस ईच अदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड पॉइंट इज दैट देयर शुड बी लीकेज प्रूफ फायर रूफ एंड हैव एम्पल क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये चीज हो गया। ये लीकेज प्रूफ होना चाहिए, फायर प्रूफ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज दैट नॉर्मली दिस आर कंस्ट्रक्टेड एट अ प्लेस वेयर इट हैज रीजनेबली लॉन्ग लाइफ एंड द ग्राउंड इज फ्री फ्रॉम रॉक मूवमेंट। ये ऐसी जगह पे इस एयर क्रॉसिंग को बनाया जाता है, ऐसी जगह पे इस एयर क्रॉसिंग को बनाया जाता है जहां पे एक ऐसा ग्राउंड है जो रॉक मूवमेंट से पूरा फ्री है, वहां पे रॉक मूवमेंट नहीं होता है, तो उसके वजह से वो चीज को देखा जाता है। और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो एयर क्रॉसिंग है हमारे गैसी कोल माइंस में डिग्री टू और डिग्री थ्री गैसी माइंस में, वहां पे हम लोगों को ये चीज ध्यान देना पड़ता है कि वो एक्सप्लोजन प्रूफ हो जो एयर क्रॉसिंग हमने बनाया है। और आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेयर केस भी बना रखा है ताकि जो भी कोई भी आदमी है वो रिटर्न में जा पाए, उसको हेल्प करे वो ट्रैवलिंग रिटर्न रोड और क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम द टॉप चेंबर। अगर इधर जाके कोई भी काम करना है उसको तो वो यहाँ पे ये चीज कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे ये स्टेयर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये हो गया हमारा एयर क्रॉसिंग के चार पॉइंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग। सो थैंक यू फ्रॉम माइन मैग्मा।